बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो उसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज। तो अभी हम बना रहे हैं दाल की सब्ज़ी, क्योंकि रात हमने बनाए थे चकोतरे और आलू बनाए थे, थोड़े बहुत खाए थे बच्चियों ने। बच्चियाँ अभी भी बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। दो बच्चियाँ जो छोटियाँ हैं ना, वो सही नहीं हो रही बिल्कुल भी। उनकी हालात जो है वो यानी कि बुखार वगैरह उसको बहुत ज़्यादा है और सही नहीं, सही बिल्कुल भी नहीं हो रही। रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो सब्ज़ी बनाई थी लेकिन वो कुछ नहीं खा रही बुखार की वजह से और सूजन की वजह से। गले सूजे हुए हैं और साथ साथ पूरा जिस्म, जो जिस्म का जितना हिस्सा भी है वो बुखार की वजह से ना सूज चुका है, खांसी की वजह से। तो इसलिए वो कुछ खा पी बिल्कुल भी नहीं रही। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बहुत जल्द सेहत दे, क्योंकि फिर पढ़ाई भी तो साथ साथ करनी है। अभी पढ़ाई भी रुक रही है, अभी पेपर तो दे चुकी हैं तो अभी रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया। तो आप सब दुआ करें कि अच्छा रिज़ल्ट आए। तो ज़ीशान की आज सुबह की क्लास थी 8 बजे की, आज वो भी सुबह चले गए। मैंने सिर्फ चाय वगैरह बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाया था, तो चाय वगैरह पी करना फिर वो चले गए हैं। रोटियां मैंने बना कर रखी हुई हैं और सालन वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो चले गए हैं। तो अभी वो आएंगे, एक करीब आ जाएंगे, या तो उससे पहले भी आ सकते हैं। जब अगर दो लेक्चर हों तो फिर देर लेट से आएंगे, अगर एक लेक्चर होगा तो फिर जल्द ही आ जाएंगे। तो अभी हम ये बना रहे हैं, मैंने इनको भिगो करना 1 घंटे से मैंने रख दी है। ये देखिए ये भिगोई हुई है, इनमें इनको धो करना अच्छे तरीके से, फिर धोंगी धो करना, इसमें प्याज वगैरह सब कुछ बना करना। अब मैं फिर वहाँ पे बनाऊँगी, यहाँ पे तो गैस है नहीं, तो इसलिए वहाँ जा करना मैं ये बनाऊँगी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि गर्मी है और यहाँ के इलाकों में, तो हाँ जी ये गर्मी भी बहुत हमारे यहाँ इलाकों में अब आ रही, लेकिन हमारे इलाकों में मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप सब देखते होंगे कि कुछ भी लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि मच्छर ने जो है वो जीना हराम कर रखा है विलेज का, विलेज जो विलेज वाले बना रहे हैं वीडियो वगैरह। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, इतना मच्छर है कि पता नहीं, हो सकता है इस मच्छर की काटने की वजह हो बुखार, डेरी डायरिया वगैरह जो भी हो, इसी की वजह भी हो सकती है। तो अब गर्मी ज़्यादा अगर पड़े तो फिर ख़त्म हो सकता है लू वगैरह जो होती है। अगर ठंडा मौसम, थोड़ा थोड़ा ठंडा और थोड़ा थोड़ा गर्म होना, इससे वो ज़्यादा होता है और बारिश में भी ज़्यादा पैदा होता है, मच्छर की तादाद जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और मक्खियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी की वजह से जो बीमारी है वो यानी कि वबा है जो फैल रही है, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। कुछ किसी से ऐसे भी हैं जहाँ कुछ लोग यानी कि बचे हुए हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ जो हैं एरियाज वगैरह जहाँ पे जो ये वबा आ चुकी है तो वो इस वबा का शिकार हो चुके हैं। तो अभी इसको धोते हैं और अच्छे तरीके से, और फिर इनको लगाते हैं जी तड़का वगैरह। इसको आज धो करना है, ऐसे ही तड़का लगाएंगे। पानी वगैरह है नहीं, मैंने ज़ीशान से रात कहा भी था लेकिन उसकी तबीयत काम नहीं कर रही ना, अब वो लेक्चर वगैरह भी नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि उनके आखिरी दिन है जहाँ सेमिस्टर के, तो इसलिए वो उसको जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए फिर वो पानी भर के नहीं लेकर दिया, तो अब थोड़ा सा पानी बचा हुआ है ना, उससे हम मैं ये जो दाल वगैरह है इसको थोड़ा सा यानी मैं बनाने की कोशिश करूँगी इसको। तो प्यारे बस मसाला वगैरह जो है मैं बना रही हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया है मिर्चा वगैरह भी डाल दिए हैं, टमाटर आधा बचा हुआ था रात को, मैंने सब्ज़ी में सिर्फ आधा डाला था, और रात को मैं धनिया भूल ही गई थी। ये देखिए धनिया अच्छा खासा था, अगर मैं इसको फ्रिज में रख देती ना तो कुछ यानी कि बस ये ताज़ा होता, लेकिन अब ये देखिए बिल्कुल मुरझा चुका है गर्मी की वजह से, तो अब ये ख़राब हो चुका है। मैंने थोड़ा सा इसमें तोड़ा तो है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यह ख़राब हो चुका है। तो अब इसको इस ऐसे इसमें बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया है बस। अब मैं इसको ना मसाला वगैरह जो है ना वो तैयार करती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ। देखती हूँ मसाले कौन कौन से मैंने रखे हैं। अभी इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ये देखें जी डाल देते हैं, थोड़ा सा खुशबू के लिए,
और थोड़ा सा इसमें दालचीनी वगैरह जो है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह थोड़े से अगर हम डालेंगे ना, लौंग वगैरह और जो भी है, तो दाल अच्छे तरीके से अच्छी यानी कि बन जाएगी। तो जी दाल को ना तड़का लग रहा है, इसमें मैंने डाल दिया है थोम, जिसको लहसुन कहते हैं वो मैंने डाल दिया है इसमें, और इसमें मैंने डाला है गर्म मसाला वगैरह जो है वो भी मैंने डाल दिया है, तो सब मसाले मैंने डाल दिए हैं। तभी इसको तड़का लग जाएगा, तो अभी इसमें डालेंगे ये दाल, फिर देखिए दाल अच्छी खासी जो है वो मैंने भिगो कर रखी है ना, अच्छी खासी हुई है, तो अब इसको मैं डालती हूँ और इसको तड़का लगा देंगे। बस दाल जो है वो मुकम्मल हमारी बन चुकी है, अब हम खाना हमारा जो है वो रेडी है। ये देखें जी दाल मैंने बना ली है, और साथ साथ थोड़ा जब ये सा वो इसको क्या कहें सलाद वगैरह वो भी थोड़ा सा हमने बना लिया है इसमें, और तो कुछ नहीं है, लेकिन साथ में और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम सिर्फ प्याज वगैरह जो है वो उसका ही थोड़ा सा हमने सलाद बना दिया है, और साथ साथ जो है हम इसको भी यूज़ करेंगे, और दाल भी हमने मुकम्मल बना ली है। तो अभी खाना जो है हम शुरू करते हैं, तो आप सबसे लेते हैं जी इजाज़त, कल एक नए लोग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, उस वक्त तक कीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कल मुझे बुखार था, मुझे भी बुखार और खांसी है, और दो छोटी बच्चियां जो हैं वो भी बुखार और खांसी का शिकार है। तो अभी मैंने कल झाड़ू नहीं दिए था, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिया था, आज मैं सोचा कि सुबह सुबह ना इसको झाड़ू वगैरह दे करना, इसको सफाई वगैरह जो है वो करते हैं, अंदर के किचन की सफाई भी मैंने की है, तो अभी मैं ये सब जो कमरा है ये इसी का उसको भी साफ़ करती हूँ, और वो वाला कमरा जो है उसी को भी साफ़ करती हूँ। इन सब को साफ़ करके ना फिर कपड़े जो पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं जिशान के, मैले होते हैं, तो मैंने उनको वो सर्फ में भिगो दिया है, तो अभी मैं उसको फिर थोड़ी देर के बाद ना फिर अच्छे तरीके से मैं धोऊंगी। मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह मैं ये दे देती हूँ, फिर उसके बाद बच्चियाँ भी घर पहुँच चुकी हैं, और एक बच्ची की तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी, सबसे छोटी उसको मेमेट्रिक हो रही थी, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया बड़ी बच्ची को कि मेरी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो फिर बड़ी बच्ची ने कहा कि आप घर पे ही आ जाओ वापस, तो वो भी अभी पहुँच चुकी हैं, तो आप सब दुआ क्या करें हमारे बच्चों के लिए।